नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। रुक करते हैं आज की पांच खास खबरों की ओर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में घायल छात्र नीता से मिलने जाने के बाद दीपिका पादुकोण को लेकर प्रमुख ब्रांड अब सेफ गेम खेल रहे हैं। कुछ ब्रांड्स ने थोड़े समय के लिए दीपिका पादुकोण से जुड़े अपने विज्ञापनों की विजिबिलिटी कम करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि ब्रांड्स किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करते हैं और यह फैसला उसी तर्ज पर लिया जा रहा है। दीपिका पादुकोण मौजूदा समय में 23 ब्रांड्स का विज्ञापन कर रही हैं। हालांकि किसी ब्रांड ने उन्हें विज्ञापन से फिलहाल हटाया नहीं है, लेकिन दीपिका बॉलीवुड की सबसे महंगी स्टार मानी जाती हैं और एक विज्ञापन के लिए अमूमन 8 करोड़ रुपया लेती हैं। आपको बता दें, दीपिका 7 जनवरी को JNU गई थी और विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आशिक घोष से मिली थी और घायल छात्रों के साथ अपना समर्थन जताया था। वहीं दूसरी खबर यूपी से है। यूपी के लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आज से होंगे पुलिस कमिश्नर। आपको बता दें, यूपी के लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद अब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर बैठेंगे। इस फैसले के फौरन बाद सुजीत पांडे को लखनऊ का और आलोक सिंह को गौतम बुद्ध नगर का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, इस समय देश के 71 शहरों में कमिश्नर प्रणाली पहले से लागू है। यूपी में योगी के सत्ता संभालने के बाद इस सिस्टम के लागू होने के बाद कहीं कही जा रही थी, लेकिन फैसला लेने में काफी समय लग गया। अगली खबर है बंगाल से। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को विवादित बयान देते हुए कहा कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसे भाजपा शासित राज्यों की तरह गोली मार देनी चाहिए। बंगाल के नाडिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गोली मारने और लाठी चार्ज करने के आदेश नहीं देने पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून का विरोध करने वाले द्वारा रेलवे संपत्ति और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाने वालों पर गोली चलाने और लाठी चार्ज करने का आदेश देना चाहिए था। इस पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री सुप्रियो ने कहा कि दिलीप दा ने जो भी कहा वह उनकी अपनी मर्जी से कहा और गैर जिम्मेदाराना है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप घोष ने जो भी कहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उनकी कल्पनाओं का उड़ान है। यूपी और असम सरकार ने कभी भी लोगों को गोली मारने का सहारा नहीं लिया है, बेशक वजह कुछ भी रही हो। अगली खबर पंजाब से। पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद अभिनेता सनी देओल के लापता होने के पोस्टर सामने आए हैं। पठानकोट में कुछ जगहों पर सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर भी यह पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है, गुमशुदा की तलाश, MP सनी देओल। अभी साफ नहीं हो पाया है कि यह पोस्टर किसने लगाए हैं। सनी देओल के लापता वाले पोस्टर पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, उनके पिता धर्मेंद्र के साथ भी बीकानेर में यही बात हुई थी। गुरदासपुर के लोगों ने एक सही व्यक्ति को चुनने का मौका खो दिया। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने सोमवार को वाइस चांसलर नजमा अख्तर के ऑफिस का घेराव किया और पिछले महीने कैंपस के अंदर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR की मांग की। इस पर VC नजमा अख्तर ने कहा कि कल से ही इस पर कार्यवाही होगी। छात्रों के करीब 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद VC नजमा अख्तर बाहर आई और उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के सारे सवालों के जवाब दिए। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें समाचार इंडिया। धन्यवाद।